नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं हरियाणा मामलों के प्रभारी राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अनिल जैन ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में ही विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लो प्रोफाइल में रह करके भी हाई प्रोफाइल का काम किया है। वहीं एक सवाल के जवाब में अनिल जैन ने कहा कि पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम की गिरफ्तारी से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है, पूरी की कार्रवाई सीबीआई ने की है। उन्होंने कहा कि कानूनी ढंग से पी चिदंबरम मामले में जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यक्रमों से भाजपा पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। हुड्डा ने केवल अपना शक्ति प्रदर्शन कर कांग्रेस के नेतृत्व को चुनौती दी है। उन्होंने केवल राहुल गांधी और सोनिया गांधी को यह दिखाने का काम किया है कि वह क्या कर सकते हैं। अनिल जैन आज सिरसा में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। सिरसा जिला के तहत आने वाले 5 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने पहुंचे अनिल जैन ने कहा कि मुख्य रूप से भाजपा 2 कार्यक्रम प्रदेश में चल रहे हैं। पहला मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है और इसे अपार समर्थन भी जनता का मिल रहा है। वहीं दूसरा विजय संकल्प रैली का भी रोहतक में आयोजन किया जाएगा। इस रैली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी भी आमंत्रित हैं। पल पल सिरसा से अमर सिंह जाड़ी की विशेष रिपोर्ट। अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। इस प्रदेश में 2 बड़े कार्यक्रम अभी चल रहे हैं। एक तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की जन आशीर्वाद रथ यात्रा चल रही है, जिसका कि जितनी हमें अपेक्षा थी उससे कहीं ज़्यादा अभूतपूर्व रेस्पॉन्स जनता से मिल रहा है। आप सबके पास भी इसकी सूचना हो। दूसरा बड़ा कार्यक्रम, हमने एक विजय संकल्प रैली का आयोजन तय किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी से हमने निवेदन किया है कि वो 8 तारीख को उसमें आए, और ये हरियाणा के इतिहास में एक अलग प्रकार का कार्यक्रम हम करना चाहते हैं, उसकी हमारी तैयारी चल रही है। तीसरा एक कार्यक्रम संगठनात्मक दृष्टि से 90 की 90 विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं से, निश्चित श्रेणी के कार्यकर्ताओं से नीचे तक रूबरू बात करने का कार्यक्रम मैंने शुरू किया है। प्रभारी के नाते सब 90 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं से मिलने का, और इन बैठकों के माध्यम से हम नीचे तक के चुनाव की तैयारी, व्यवस्था, उसका आकलन और आगे के निर्देश इन बैठकों में हम ये कर रहे हैं। और बैठकों में भी कार्यकर्ताओं में बहुत अभूतपूर्व उत्साह है। जैसे देश में आज़ादी के बाद पहला ये सत्र जो अभी निकल के गया है, लोकसभा और राज्यसभा का, संसद का सत्र, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव सत्र हुआ है, सबसे ज़्यादा कामकाजी सत्र हुआ है, सबसे ज़्यादा काम के घंटे का सत्र हुआ है, सबसे ज़्यादा नए सांसदों ने इसमें शिरकत की है। और एक बात और, जो आज़ादी के माथे पर कहीं कोई धब्बा था, कहीं कोई टीका था, कलम था, उसको भी साफ करने का काम इस सत्र में हुआ है। अर्थात भारत की आज़ादी अब पूरी आज़ादी है। कश्मीर के लोगों को सही मायने में आज़ादी 6 अगस्त को मिली, 6 अगस्त 2019 को, जब वो धारा 370 और 35A के बंधनों से मुक्त हुए। कि मैं इस बात को जानबूझकर कह रहा हूँ कि कश्मीर के लोगों को आज़ादी मिली, क्योंकि कश्मीर के लोग सही मायने में कुछ 3 घरानों के लाभ के चक्कर में मरहूम थे, देश के साथ चलने में से, देश के साथ विकास की दौड़ में, देश के सब प्रकार के, देश के साथ मिलने जुलने में वो लोग, लोगों को कुछ लोगों ने मरहूम करके रखा था अपने स्वार्थों में। वो अब स्वार्थ समाप्त हुए हैं और कश्मीर में अब एक विधान, एक प्रधान और एक निशान, यही चलेगा। जो हमारे संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिसके लिए बलिदान हुए, उस काम को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण, अमित भाई शाह के, हमारे गृहमंत्री जी के पुख्ता रणनीति और तैयारी के कारण से ये संभव हो सका। इस बात को भी हम अपने लोगों के साथ साझा करते हैं। मोदी जी के, और मोदी जी के सबसे ज़्यादा निकट हरियाणा है, हरियाणा के लोगों के सबसे ज़्यादा निकट मोदी जी हैं। तो
तो वो सब मोदी जी को अपना मानते, मोदी जी यहीं से प्रभारी के नाते काम करके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने, और अभी भी कोई योजना लागू करने के लिए मोदी जी को हरियाणा के लोग ध्यान में आते हैं। इसलिए एक तो स्वाभाविक ये है कि मोदी जी हमारे नेता हैं, तो और हमारा पिछले 2014 के चुनाव में जब हम 4 से 47 हुए थे तब खाली हमारे पास मोदी जी का नाम था, अब मोदी जी का नाम और काम दोनों है, और उसके साथ साथ हमारे प्रदेश की सरकार ने जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री ने लो प्रोफाइल रहकर हाई प्रोफाइल काम किए, मोस्ट इफेक्टिव काम किए, 66 के बाद सही मायने में जनता का मुख्यमंत्री, जनता के लिए काम करने वाला, और बगैर डींगे हाके, बगैर कब्जा किए, बगैर चीज़ों को दबंगई के जनता के लोगों के साथ मिलकर काम करने की ये कीर्तिमान स्थापित किए हैं। चाहे पारदर्शी नौकरी हो, चाहे ट्रांसफ़र की व्यवस्था हो, चाहे हरियाणा एक, हरियाणवी एक को चरितार्थ किया हो, बगैर भेदभाव के विकास किया हो, न जातिवाद का भेदभाव है, न परिवारवाद का भेदभाव है, न तुष्टिकरण का भेदभाव है। इस देश से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण की राजनीति को खदेड़ दिया है, वही काम मनोहर लाल जी ने प्रदेश में किया है। इसलिए 4 से जब 47 हुए थे तब हमारे पास एक फैक्टर था, आज हमारे पास कई फैक्टर हैं, और सबसे बड़ा आज देश का वातावरण, हरियाणा ये सैनिक बहुल प्रदेश है, देश की आज़ादी में हरियाणा, देश की आबादी में हरियाणा का 2% का हिस्सा है, लेकिन सेना की आबादी में हरियाणा का 10% का हिस्सा है। इसका मतलब सेना में हरियाणा के लोग 5 गुने ज़्यादा जवान देते हैं देश में ऑन एवरेज से, इसलिए ये जवानों का प्रदेश है, यहाँ की शहादत रंग लाई है। और अब जम्मू कश्मीर का जो फैसला हुआ है 370 हटाने का और 35 को हटाने का, इसका बहुत बड़ा प्रभाव इस सैनिक बहुल प्रदेश हरियाणा में हुआ है, इस बात का भी बहुत बड़ा अंतर। देखिए चुनौती इस चुनाव में, मैं अपने कार्यकर्ताओं से मैंने कहा ये चुनाव हमारे लिए उत्सव होता है, राजनीतिक पार्टी के लिए चुनाव उत्सव है, उत्सव की मस्ती में कार्यकर्ता काम करेंगे, और अपनी बूथ को जीतने की चुनौती है बस, और सामने कोई नहीं है, हमें अपना बूथ जीतना है, यही हमारी चुनौती है। मस्ती के साथ काम करके अपनी बूथ को जिता के लाएंगे, ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती। नहीं, गठबंधन की आवश्यकता नहीं है हरियाणा में, हमको जैसे लोकसभा में अकाली दल अकाली हमारे स्वाभाविक साथी हैं, वो गठबंधन हरियाणा में गठबंधन हो या ना हो वो हमारे साथ ही रहते हैं, क्योंकि बाहर दूसरी पार्टियों से बहुत से विधायक और दूसरे नेता आ गए, समायोजित किया। हमने सबको कहा है टिकट की शर्त पर कोई नहीं आया है, सब अनकंडीशनल आए हैं, और हम सीट टू सीट इसका विवेचन करके जो उपयोगी लगता है, जो जीतने वाला लगता है, जो पार्टी को आगे ले जाने वाला लगता है, उसको टिकट देंगे, चाहे वो नया हो, चाहे वो पुराना, चाहे मौजूदा विधायक भी हो, चाहे मौजूदा भी हो, तब वो टिकट दो हैं, तब वो जीतने की संभावना कितनी है, हम अपनी सब हमारी विचारधारा, विवेचन, छवि, सब चीज़ को ध्यान में रखकर हम टिकट देंगे। इसलिए केस टू केस इसके लिए कोई यूनिफॉर्म फॉर्मूला नहीं होने वाला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी चुनौती पेश की है सर, बड़ी रैली करके सरकार को, उन्होंने चुनौती सोनिया गांधी के लिए, राहुल गांधी के लिए, अशोक तंवर के लिए की होगी, जनता में उनकी कोई चुनौती नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे विपक्षी थोड़ा बहुत तो खड़े हो जिससे हमें भी लड़ने का मजा। चर्चा चल रही थी 18 अगस्त को ही कुछ बड़ा ऐलान होगा, कोई नई पार्टी का गठन होगा, तो कुछ हुआ नहीं, क्या लगता है कि हुड्डा साहब बैकफुट पे आ गए? अब ये तो हुड्डा साहब बता सकते हैं या कांग्रेस के लोग बता सकते हैं, लेकिन जिस तरह की भाषा उन्होंने बोली है, जिस तरह से स्वयंभू मैनिफेस्टो जारी किया है, अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार तय कर दिया है, तो ये कांग्रेस को देखना है कि कांग्रेस अब किस हद तक जाएगी, किस हद तक मानेगी, ये कांग्रेस की बात, हमारा विषय नहीं। चिदंबरम का मामला है, चिदंबरम की गिरफ्तारी हुई है, ऐसे में आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार बदले की भावना से पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर कार्रवाई करेगी, आप क्या कहेंगे? एक तो ये सब देश के लोग जानते हैं पी चिदंबरम के ऊपर कार्रवाई सरकार ने नहीं की है, पी चिदंबरम पर कार्रवाई सीबीआई ने की है, वो जांच एजेंसी ने की है, भ्रष्टाचार के आरोप के खिलाफ की है, जिसको बैठ किया है छोटे कोर्ट ने,
हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट तक में जाकर वो रिलीफ नहीं मिले, इसका मतलब वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी का इससे लेना देना नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग सारे नेता मिलकर भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम के लिए एकजुट हो रहे हैं, ये देश की जनता देख रही है और इनको माकूल जवाब देगी।